सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। किसी से भी झूठ बोलने, किसी से भी झूठ बोलें, लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोलें। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक दिन सफल जरूर होंगे। आज का पंचांग 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 11:03 से 11:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:00 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, आपके परिवार वालों को नजदीकी संबंधियों से होने वाली परेशानी के कारण आपको भी प्रतिबंधों का सामना करना होगा। ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे लेकिन आपको काफी प्रभावित करेंगे, लेकिन इनके प्रभाव से बचने की कोशिश करें। आज आप कोई घरेलू उपयोग का उपकरण खरीदने या घर की नियमित साफ सफाई के चलते कम उपयोगी सामान को बेच देंगे। आज दिन भर कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। आप अपनी समझदारी द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में भी सक्षम रहेंगे। निकट संबंधियों के साथ भी समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत रखेगा। सीमित विचारों से निकलकर नई बातें अपनाने की कोशिश करें। परिस्थिति को जैसा है वैसा ही देखने की कोशिश करें। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न सफलता दे सकते हैं, फिर भी प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही है इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता है। हाथ में लिए गए काम की वजह से फायदा मिल सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिरता किस प्रकार से हासिल करनी है इस बात का भी विचार करें। पार्टनर की बातों को समझने के लिए उनके नजरिए को समझना होगा। दांत की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी आलोचना या निंदा करेंगे, परंतु चिंता न करें, आपका कुछ भी हासिल नहीं होगा। बैंकिंग कार्यों को करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है, कोई गलती होने की भी आशंका है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंधों में सामंजस्य का कुछ अभाव रहेगा, परंतु आपस में बैठकर बातचीत द्वारा समस्या सुलझ भी जाएगी। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। आज जब अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिसका आपके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है, इस मुलाकात की वजह से आप अपने मौजूदा संबंधों की गतिशीलता को बढ़ा सकती हैं या उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है, या पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत को चिन्हित कर सकती हैं। या अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, उसे छुपाएं नहीं, और इस तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अपने कार्य करने के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके करियर को नई गति मिल सकती है, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। बिजनेस का कोई काम रुका हुआ है तो उसे सुलझाने के लिए समय अच्छा है। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। ऑफिस के माहौल में किसी तरह की राजनीति चल सकती है, सचेत रहें। किसी भी काम पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बात करते हैं सेहत की। अपने दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सावधान रहना जरूरी है। पिछले कुछ समय से आप अपने वजन में बढ़ोतरी महसूस कर रहे हैं। आप इसके बारे में काफी जागरूक भी हैं, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं रही हैं।
हो सकता है कि आज आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटीन मिल जाए। आप हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर ना घूमें क्योंकि आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। मास्क पहनकर चलें, संक्रमण से बचकर रहें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।